भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चाको 3 सदस्यीय प्रतिनिधि टोलीले आज सोमबार राज्यकी मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जीसित भेट गरेर जिटिए चुनाव गराउने मुख्यमन्त्रीको कुराको स्वागत जनायो। यस प्रतिनिधि टोलीमा पार्टी अध्यक्ष अनित थापा, महासचिव अमर लामा र कालेबुङका विधायक रुदेन सादा लेप्चा सामेल रहेका थिए, जसले दार्जिलिङ पहाडमा पञ्चायती व्यवस्था हुनुपर्ने अर्थात् दार्जिलिङ पहाडमा पञ्चायत चुनाव गराउनुपर्ने, पर्जापट्टा गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनकालको बाँकी बिजुलीको बिल माफ गरिदिनुपर्ने जस्ता माग गरिएको भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चा महासचिव अमर लामाले बताए। यसका साथै पार्टीको प्रतिनिधि टोलीले जिटिएमा कार्यरत पे ब्यान्ड कर्मचारीहरूलाई स्थायी गराउनु पर्ने साथै अन्य मागहरू राखिएको लामाले बताए। उनके भी पहाड़ को राइट डेस्क बनाना, पहाड़ को डेवलपमेंट करने के लिए सीएम मैडम को मिलना जरूरी था। और इसका जो मैडम ने हम लोगों ने पहले से जीके व्यवस्था उसके हिसाब से इलेक्शन होना चाहिए, डेमोक्रेटिक प्रोसेस से हम लोग आगे जाना चाहिए, उसमें थोड़ा डिस्कशन हुआ। और हम लोगों का बहुत सारा डिमांड था, जैसे जीके कर्मचारी, पे बैंड कर्मचारी, वॉलंटियर टीचर्स, प्राइमरी वॉलंटियर टीचर्स, डीएलए, ड्राइवर का इश्यू था, लैंड राइट इश्यू था, बहुत सारा इश्यू था। शायद हमारा अमर लामा हम लोगों को सब दे देंगे, सो बहुत बड़ा इश्यू मतलब इश्यू में डिस्कस हुआ। मैं पहले से चाह रहा था, अभी नहीं, बहुत पहले से चाह रहा था, क्योंकि डेमोक्रेटिक प्रोसेस होना चाहिए जो कि हम छोटो तर एकदम राम्रो सर्ट मिटिंग है, हम झंडे 15 मिनट जस्तो भयो र राम्रो कुरा भयो। उहाँले त हिजो सिलगढीमा भन्नुभयो त जिटिए चुनाव म गराइदिई हाल्छु, अनि पञ्चायतको 3-tier पञ्चायतको चुनावको लागि चाहिँ अब सबैलाई थाहा छ केन्द्र सरकारले त्यसलाई संविधानमा संशोधन ल्याउनु पर्यो। 3-tier पञ्चायत जिटिए एकाउन्टमै मेन्सन गरेको छ। अब कालिम्पोङ जिल्ला भएपछि कालिम्पोङले पनि 3-tier पाउँछ, दार्जिलिङले एउटा 3-tier पाउँछ। अन्त आज पनि उहाँले फेरि त्यही भन्नुभयो, जिटिए चुनाव म गराउँछु तिम्रो के गर्छौ भन्दा हामीले एकदम यसलाई स्वागत गर्यो, किनभने जिटिएमा त्यत्रो डिपार्टमेन्ट दिइसक्यो, जिटिएलाई फन्ड दिँदैछ। अब यो जिटिए यसरी चुनाव नगरिकन एडमिनिस्ट्रेटर लगाएर राख्दाखेरि चाहिँ अब जनताले नै दुःख पाउँछ, र जनताको हित चाहने र जनताको भलाइ चाहनु हो भने चाहिँ जिटिए चुनाव हुनुपर्छ गणतान्त्रिक ढङ्गमा, र जिटिए सभा त्यहाँ गठन गरेको चाहिँ राम्रो हुन्छ। त्यो जिटिए चुनावमा तपाईँहरू एकसाथ लड्ने त्यस्तो अब त्यो कतिवटा पोलिटिकल कुरोहरू हामीसित भएको छ। अब यसले यसलाई हामी अहिले है प्रिलिमिनरी राउन्डको कुरो हो, बादमा हामी भन्छौँ यसलाई है। तर म्याडमले चुनाव घोषणा गरेपछि त्यो सबै कुरो बाहिर भयो। डिमान्ड देखिए मेरा पुराको पुरा है, थ्रीटार पञ्चायत राज कालिम्पोङमा भी फुल फ्लेजेडली तीन स्तरीय पञ्चायत पुराको पुरा कालिम्पोङमै बिठाया जाए, उस वो डिमान्ड मेरा है। अगर वो मतलब जिटे को इधर उधर करके अगर जिटे में रख सकता है वो भी ठीक है, नहीं तो फुल फ्लेजेडली अगर जिटे का दायरे के भीतर ये आ नहीं सकता है उस हिसाब से भी सरकार फैसला लेगी, भविष्य का बात है। क्योंकि ये टेक्निकल बात मैंने रख दिया ना स्टेट के सामने भी, अब सीएम के सामने भी और हमारा पार्टी के बीच में भी, अगर परमिशेबल है जिटे के भीतर ये रख सकता है तो उसमें भी एतराज नहीं, लेकिन कालिम्पोंग के लिए पूरा पूरा फुल फ्लेजेड पञ्चायती राज होना चाहिए। वहाँ 2-tier सिस्टम नहीं है जो कि पहले था, पहले डीजीसी के टाइम में ये 2-tier पंचायत सिस्टम का परमिशेबल था, लेकिन हम लोग चाह रहे हैं जो 92 के बाद जो संशोधित एक ठो पंचायत सिस्टम भारत में लागू है उस टाइप का फैसिलिटी वाला पूरा का पूरा 3-tier पंचायत सिस्टम कालिम्पोंग में लागू हो। क्योंकि मैं कालिम्पोंग का वकालत इसीलिए करता हूँ कि मैं कालिम्पोंग का विधायक हूँ, तो कालिम्पोंग जब से 5 वर्ष हो चुका है, 5 ईयर्स हो चुका है कि वहाँ तक अभी तक पूरा का पूरा वो नहीं हुआ है, मतलब पंचायती राज 1-tier 2-tier कुछ भी नहीं हुआ है। तो उस हिसाब से एक गवर्नर रूल जैसा चल रहा है, तो पूरा का पूरा जो भी हो पूरा का पूरा पंचायती राज हो, वही मैं चाह रहा हूँ। जैसे आप आज आप ममता बनर्जी से मुलाकात की सीएम से, तो सीएम ऑफ द जीटीए अगर 3-tier होना चाहिए तो 3-tier तो जीटीए में प्रावधान नहीं है, 2005 के बाद तो प्रावधान ही नहीं है जीटीए में। जीटीए एक में लिख चुका है 3-स्तर पंचायत का उल्लेख है, इसलिए तो उसी बेस को लेके मैं रख दिया, क्योंकि जीटीए में था ही नहीं तो रखता नहीं मैं, जीटीए में है तो अभी तक नहीं हुआ है। मेरा डिमांड हुआ है जीटीए में पूरा क्लियरली लिखा हुआ है,
लेकिन किस तरह से होगा उन लोग जाने ना, लेकिन हमने रख दिया है मैटर को, वहाँ रख दिया है सीएम के पास, सीएम के पास भी रख दिया है, सारा का पब्लिक के पास भी रख दिया है, पब्लिक भी डिमांड कर रहा है। कालिम्पोंग में तो इसके ऊपर ही बहुत सारा चर्चा परिचर्चा शुरू भी हो चुका है। हाँ, ये जरूर अच्छी बात है कि पहाड़ में 3 टायर पंचायत होना चाहिए।